नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तर वासियों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस निकल पड़ी है फिर एक छोटे से नए सफ़र के लिए। वैसे सफ़र तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि संकट की घड़ी है, घर से निकलना भी सही नहीं है क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना था तो मैं निकला था, तो ये वीडियो भी बना लिया हूँ। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि घर से बाहर ना निकलें और नियमों का पालन करें, साथ ही ये वीडियो देख के ही अपने शहर को महसूस कर लीजिए। जब सरकार आपको निकलने की अनुमति देगी तब जी खोल के निकलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉकडाउन में जगदलपुर कैसा लग रहा है और कैसे हालात हैं। तो आप घर बैठे इसका आनंद लीजिए और घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। यह जो सड़क आप देख रहे हैं ये जगदलपुर के पैलेस से होते हुए सीधा दंतेवाड़ा की तरफ जाके ख़त्म होती है, इसलिए इसे पैलेस रोड कहा जाता है, आगे से इसे गीदम रोड कहा जाता है। अब कुछ ही देर में ये देखिए सामने कुछ देख रहे हैं जो आप, कि ये पुलिस वाले कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इतने आपदा के समय पर। कड़ी मेहनत के साथ इन लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए तो मतलब एक सहानुभूति है ही है सभी के मन में। तो चलिए ये गुरु गोविंद सिंह चौक से आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर और देखते हैं बाकी जगदलपुर के चौक चौराहों का क्या हाल है। यह जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह आकाशवाणी भवन है, इसके बगल से ही जिलाधीश कार्यालय चालू हो जाता है जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देखेंगे लाल चर्च है। यह सड़क सीधे आपको चांदनी चौक होते हुए शहर के मुख्य बाजार से टच करती है और आम समय पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी मतलब माहौल अच्छा रहता है। लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल कोई मतलब बहुत कम लोग दिख रहे हैं, और जो भी दिख रहे हैं वो अति आवश्यक काम से निकले हैं। तो आप लोग भी अति आवश्यक काम से ही निकलें, अन्यथा वायरस और पुलिस के डंडे दोनों में से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं चांदनी चौक की तरफ। यह सड़क कलेक्ट्रेट को सर्किट हाउस से जोड़ती है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली सड़क होती है आम दिनों में, पर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और बिल्कुल भी लोग नहीं दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं बहुत काम से जाने वाले लोग। सामने आप देख रहे हैं कि यह चांदनी चौक है, ये जगदलपुर का तीसरा सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला चौराहा है गोल बाज़ार और संजय मार्केट के बाद। लेकिन अभी देख रहे हैं कि पुलिस का कड़ा पहरा है और आप बिल्कुल भी बिना का मतलब आईडी पास के आप इसको पार नहीं कर सकते हैं, वो भी जानते हैं क्यों, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तो कम ही निकलें ज़्यादा सही रहेगा। और आगे जाके जब हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो महारानी हॉस्पिटल सामने पड़ रहा है और यहाँ ये रोड इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। लेकिन देखिए कि इतनी चौड़ी रोड है, इसका जो चौड़ाई पता चल रहा है ये लॉकडाउन में। शहर के अमूमन सभी सड़कों का यही हाल है, सभी सड़कें खाली हैं क्योंकि सब अपने घरों पे हैं। और ये देख रहे हैं ये सड़क लालबाग से सिविल लाइन होते हुए पुराना बस स्टैंड की ओर जाती है और यहाँ पे देखेंगे कि एकदम खाली सड़क है, काफ़ी चौड़ी दिख रही है। और यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बंगले हैं, जो संभाग स्तरीय अधिकारी कमिश्नर IG सबके बंगले ही पड़ते हैं, लेकिन एकदम सुनसान, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी प्रभाव है इस बार कोरोना का। दोस्तों ये सड़क जो जा रही है ये हमें सीधा शहीद पार्क होते हुए DM चौक होते हुए रायपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 में निकाल देती है और आप
शहर से बाहर निकल जाते हैं। देखिए ये शहीद पार्क का जो चौराहा है वो कितना व्यस्त रहता है आम समय पे, लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और यहीं पे चौपाटी है जो युवाओं का सबसे पसंदीदा स्थल है, लेकिन वो भी खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि वो सब इसलिए इस बार ज़्यादा है क्योंकि कोरोना की जो मारक क्षमता 10 गुना ज़्यादा है। प्रतिदिन जगदलपुर जैसे शहर में 200 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं पूरे ज़िले में, और काफ़ी कई लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ही दुखदाई पल है सभी के लिए। तो स्टे होम फर्स्ट रहना चाहिए हमारा उद्देश्य। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस रोड में भी। पेट्रोल पंपों में भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जो अति आवश्यक सेवाओं के लिए घूम रहे हैं उन्हें ही पेट्रोल दिया जा रहा है, और उसे भी स्ट्रिक्टली बहुत फॉलो किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हम सबका सबसे चहेता स्थल दलपत सागर, जो हर मौसम में खूबसूरत दिखता है, वैसे ही खूबसूरत दिख रहा है, बस कमी है घूमने आने वाले लोग की। तो जल्दी मनाइए कि कोरोना ख़त्म हो और दलपत सागर की ठंडी ठंडी हवाओं का हम आनंद लें और अपने शहर को अच्छे से निहारें। तो ईश्वर से प्रार्थना है, माई दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि जल्दी से कोरोना का गंभीर संकट ख़त्म हो। अब आगे हम बढ़ते हैं पावर हाउस चौक होते हुए, सिरासार चौक होते हुए, आगे गोल बाजार चौक की तरफ। तो चलिए हमारे शहर की एक खासियत है कि हर 2-3 साल में सड़कों को खोद के उसके नीचे पाइप डाला जाता है, और इतने बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, अगर उनको पानी सप्लाई कर दिया जाए तो मेरे को लगता है पूरी इंद्रावती तो शहर के अंदर पाइपों से बहने लगेगी। लेकिन आज तक पानी सप्लाई होके ऐसे आते हुए कभी नहीं देखा। पानी समस्या भी बने रहती है गर्मियों में, जबकि इंद्रावती में पानी रहता है। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये अलग अलग दिनों में जो मैं किसी कारणवश निकला था उसी के संबंध में बनाई है, तभी मैंने वीडियो ले ली थी और सोचा सबको एडिट करके आप लोगों को दिखाया जाए कि लॉकडाउन में क्या स्थिति है। बहुत सारे लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं कि जो नहीं निकले होंगे, तो मेरी कोशिश थी कि इसे एडिट करके आप लोगों को भी दिखाया जाए। और मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अनावश्यक घूमूं, तो आप लोग भी मत निकलिए, ज़्यादा सही होगा, बहुत ज़रूरी काम है तो ज़रूर निकलिए, अनावश्यक ना ही निकलें तो ठीक होगा। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।